बाजार जिले की बात की जाए तो श्वास की शराब दुकान में ज्यादा कीमत पर शराब बेची जा रही है। लोगों की शिकायतों पर विधायक प्रबोध शर्मा पहुंचे हैं। शराब दुकान आबकारी अधिकारियों को जानकारी होने के बाद भी अभी तक कोई भी स्थल पर नहीं पहुंचा है। विधायक ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। घंटों इंतजार करते रहे विधायक शर्मा, आबकारी कर्मचारियों ने छुट्टी का बहाना बनाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको, तो इंतजार के बाद विधायक ने उग्र आंदोलन की बात की है। बालोदा बाजार से बड़ी खबर, तो शासकीय शराब की दुकान पर जो शराब है वो ज्यादा कीमतों पर बेची जा रही थी। विधायक को जानकारी मिली जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। अरविंद मिश्रा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, क्या स्थिति है मौके पर? मौके पर जब शिकायत लोगों की शिकायत आई थी कि ऐसी कीमत पर शराब बेचे जा रहे हैं, तो बलौदा बाजार विधायक प्रमोद शर्मा शराब जो है शासकीय शराब दुकान पहुंचे, लोगों से वहां पर चर्चा की, तो लोगों ने बताया कि वहां पे 10 से 20 रुपए अधिक कीमत लेकर उनको शराब दी जा रही है। और इस बारे में लेकर जब जिला स्तरीय अधिकारी से जानकारी चाहे तो एक यहाँ से जिला मुख्यालय से बाहर थे, रविवार का दिन होने के कारण वो बाहर थे, वहीं उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजने की बात की, लेकिन विधायक महोदय घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी आबकारी विभाग का कर्मचारी और न ही पुलिस विभाग का कर्मचारी वहां पर उपस्थित हुआ। और उसके बाद विधायक महोदय वहां से नाराज होकर चले गए। नाराज होने के बाद पुलिस कोतवाली पुलिस से वहां पे एसआई और पहुंचे हैं और स्थिति को देखा, लेकिन लोगों ने एक लगातार शिकायत की कि जिले के अधिकतर शराब दुकानों में जरूरत से ज्यादा कीमत लेकर शराब बेची जा रही है शासकीय दुकानों में। अच्छी बात है कि शिकायत मिलने पर तत्परता दिखाते हुए विधायक प्रमोद शर्मा मौके पर पहुंचे हैं और जानकारी ली, और उग्र आंदोलन की उन्होंने चेतावनी भी दी है क्योंकि अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की। और ज्यादा बेहतर होगा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कई ऐसी राशन दुकानें हैं जहां पे लोगों को 3-3, 4-4 महीनों से राशन नहीं मिल रहा है, वहां पे भी इतनी ही तत्काल प्रभाव से अगर विधायक साहब और माननीय कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंच जाए तो लोगों को जो 3-3, 4-4 महीने से जो राशन नहीं मिल रहा है, जो भूखे मरने की कगार पर लोग आ गए हैं, उनको भी राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।